हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लैम कनेक्शन इन बेसिडियोमाइसिटिस। ठीक है, तो क्लैम कनेक्शन इन बेसिडियोमाइसिटिस क्या होता है? एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि ये जो बेसिडियोमाइसिटिस फंजाई है, इसमें मोनोकैरियोटिक एज वेल एज डाइकैरियोटिक दोनों ही माइसेलियम मिलेगा। ठीक है, तो एक मोनोकैरियोटिक माइसेलियम से एक डाइकैरियोटिक माइसेलियम का कैसे फॉर्मेशन होगा वो बताने के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लैम कनेक्शन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस, दैट मींस इन केस ऑफ द हायर फंजाई, वहां पे बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एंड ड्यूरिंग दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर टाइप में गैमेट्स भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा थ्री स्टेप्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में हमेशा थ्री स्टेप्स होता है। पहला स्टेप उसका होता है प्लाज्मोगेमी, जहां पे साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होके एक डाइकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन होगा। एंड सेकेंड स्टेप होता है कैरियोगेमी, जहां पे टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस, द टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस विल फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड न्यूक्लियस। एंड थर्ड होता है मियोसिस डिवीजन। ठीक है, तो मियोसिस डिवीजन मतलब रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर फिर से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाएगा। तो ये तीन स्टेप से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द फंजाई। तो प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होता है, एक डाइकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक ऐसा सेल बन जाता है प्लाज्मोगेमी के बाद जिसके पास दो न्यूक्लियस होता है एन प्लस एन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द डाइकैरियोटिक कंडीशन। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि ये जो डाइकैरियोटिक कंडीशन है ये एज अ रिजल्ट ऑफ प्लाज्मोगेमी हमें मिलेगा, पर एज अ रिजल्ट ऑफ प्लाज्मोगेमी हमें एक डाइकैरियोटिक सेल मिलेगा जो अल्टीमेटली जाके एक डाइकैरियोटिक माइसेलियम का फॉर्मेशन करेगा। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये डाइकैरियोटिक कंडीशन से कैसे एक डाइकैरियोटिक माइसेलियम का फॉर्मेशन हुआ, एंड उसी प्रोसेस का नाम है क्लैम कनेक्शन। ठीक है, तो फंजाई में क्या होता है, बेसिकली फंजाई में सपोज ये एक फंजाई का माइसेलियम है। ठीक है, एंड दिस इज अ मोनोकैरियोटिक माइसेलियम, राइट। इसको मोनोकैरियोटिक माइसेलियम क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक एक सेल में एक एक न्यूक्लियस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द मोनोकैरियोटिक माइसेलियम। ठीक है, तो ये मोनोकैरियोटिक माइसेलियम में सपोज दिस बिलोंग टू द स्प्रिंग प्लस, फंजाई में हम लोग बोलते हैं कि फंजाई में स्पेशली इन केस ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस देयर आर एग्जिस्टेंस ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन, वन इज प्लस एंड वन इज माइनस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, प्लाज्मोगेमी जब होता है, तब किसके बीच में होता है, एक प्लस माइसेलियम एंड एक माइनस माइसेलियम के बीच में। ठीक है, एंड यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे हम लोग क्या देखेंगे कि हाइफी का जो दो सेल है उसी का फ्यूजन हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। तो ये भी एक मोनोकैरियोटिक माइसेलियम है, बट दिस इज माइनस। तो जब ऐसे दो प्लस, एक प्लस एंड एक माइनस माइसेलियम कंटेक्ट में आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मो गेमी। थोड़ा ध्यान से देखना, जब प्लाज्मोगेमी होगा तो ये सेल फ्यूज हो गया तो हमें एक डाइकैरियोटिक सेल मिलेगा। ठीक है, सपोज दिस इज द माइसेलियम, अब दोनों फ्यूज हो चुका है, एंड यहां पे हमें क्या हो रहा है, हमें दो न्यूक्लियस मिल रहा है। ठीक है, और ये दोनों न्यूक्लियस में से हम ये जानते हैं कि एक न्यूक्लियस जो है ये प्लस वाला माइसेलियम का न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये माइनस वाला माइसेलियम का न्यूक्लियस है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फ्यूज होके वो सेल बना है। तो ये जो सेल बना, दिस इज आवर फर्स्ट डाइकैरियोटिक सेल विच इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ प्लाज्मोगेमी। अब धीरे से ये डाइकैरियोटिक सेल से एक डाइकैरियोटिक माइसेलियम बनेगा, एंड उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लैम कनेक्शन। अब देख लेना कैसे होता है, फॉरगेट अबाउट दिस सेल्स, हम इसी सेल पे भी कंसेंट्रेट करते हैं।
तो अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक सेल है, कैसा टाइप का सेल है वो, डाइकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक डाइकैरियोटिक सेल है, ऑलरेडी मैंने बताया था कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है प्लस साइन वाला, एक है माइनस साइन वाला। अब जब क्लैंप कनेक्शन होगा तो क्या होता है, यहाँ पे एक हुक लाइक आउटग्रोच, ये जो डाइकैरियोटिक सेल है इसमें एक ऐसे हुक लाइक आउटग्रोच का डेवलप होगा, ठीक है, ऐसे एक हुक लाइक आउटग्रोच का डेवलप होगा। ये है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट होने के बाद क्या होगा देख लेना, यहां पे एक प्लस न्यूक्लियस था, यहां पे एक माइनस न्यूक्लियस था, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, और ये दोनों माइटोसिस डिवीजन करेंगे, मतलब प्लस वाला का जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो वो एक क्या बनाएगा, और एक प्लस न्यूक्लियस। माइनस का जब माइटोसिस डिवीजन होगा ये क्या बनाएगा, एक माइनस न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेल में अब दो प्लस एंड दो माइनस न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, आउट ऑफ दिस वन ऑफ द प्लस न्यूक्लियस विल मूव टू द हुक, यहां पे चला जाएगा, एंड ये दोनों माइनस जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, दो माइनस न्यूक्लियस, इसके बीच में एक वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो हम नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं कैसा होगा। ऐसे ये डाइकैरियोटिक सेल था, मैंने बोला कि दो प्लस था, एक प्लस यहाँ पे ही है और एक प्लस जो है ये हुक में चला गया, ठीक है, ये जो आउटग्रोथ है उसमें चला गया, एंड यहाँ पे दो माइनस था, और दो माइनस के बीच में क्या हो गया, अब सेल वॉल डेवलप हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये हुक लाइक आउटग्रोथ तुम दिखाई दे रहा है ना, ये हुक लाइक आउटग्रोथ धीरे से बढ़ेगा, साइज इसका बढ़ता जाएगा एंड आके यहाँ इस पार्ट में ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और मैं फिर से दिखाती हूँ डायग्राम बना के, यहां पे आके ये हुक जो है वो ज्वाइन हो गया, ठीक है, लोअर मोस्ट सेल पे। तो अब यहां पे क्या था, एक प्लस, ठीक है, यहां पे एक प्लस था, यहां पे एक माइनस था, यहां पे ऑलरेडी क्या था, एक माइनस है, और इसके थ्रू कौन सा वाला आ गया, इसमें क्या था हुक में, प्लस वाला न्यूक्लियस, तो प्लस वाला न्यूक्लियस इधर आ गया। देखो अब ऑलमोस्ट हमें कितना सेल मिला, दो सेल मिला, एंड दोनों में क्या है, डाइकैरियोटिक कंडीशन है। अब इसके बाद ये हुक वाला जो पार्ट है ये डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है, हुक वाला पार्ट जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा, एंड देखना क्या होगा इसके बाद, यहाँ पे एक प्लस न्यूक्लियस, यहाँ पे एक माइनस न्यूक्लियस, अगेन यहाँ पे एक माइनस न्यूक्लियस, एक प्लस न्यूक्लियस। अब पहले हमारे पास एक डाइकैरियोटिक सेल था, अब हमारे पास क्या मिला, अब हमारे पास ये दोनों सेल, ये सेल एंड ये सेल, ये दोनों ही कैसा सेल है, डाइकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अब हमारे पास दो डाइकैरियोटिक सेल हुआ, और फिर से ये जो प्रोसेस तुम लोगों ने देखा है ये प्रोसेस रिपीट होगा। मान लो ये सेल में वो हुक लाइक आउटग्रोथ डेवलप हुआ, ठीक है, फिर ये पास वाला सेल डाइकैरियोटिक बन जाएगा। तो ऐसे करते करते एक के बाद करके पूरा माइसिलियम जो है वो धीरे धीरे डाइकैरियोटिक माइसिलियम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो देखो एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप हुआ था प्लाज्मोगेमी, अब कैरियोगेमी होना चाहिए था, बट कैरियोगेमी ये फंजाई में बहुत डिले होता है, याद रखना, इन बेसिडियोमाइसिटिस एंड इन एस्कोमाइसिटिस कैरियोगेमी इज डिलेड आफ्टर प्लाज्मोगेमी, लेट से होता है, ठीक है। तो कैरियोगेमी लेट से होने के कारण क्या होता है कि ये डाइकैरियोटाइजेशन का प्रोसेस होता है एंड माइसिलियम डाइकैरियोटिक बन जाते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट जो डाइकैरियोटिक सेल बनता है वो हमेशा एज ए रिजल्ट ऑफ प्लाज्मोगेमी फॉर्मेशन होगा, याद रखना,
एंड प्लाज्मोगेमिसा फॉर्मेशन होने के बाद क्लाम कनेक्शन से धीरे धीरे माइसेलियम डाइकैरियोटिक माइसेलियम में बदल जाएगा। तो यहां से लेके ये हुक लाइक आउटग्रोथ जो बना है, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर जो बना है वहां से लेके यहां तक ये जो प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लाम कनेक्शन। ठीक है, थैंक यू।